न्यूज क्लिक की स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता को समर्थन दीजिए। इस लिंक पर क्लिक कीजिए, ज्वाइन पर क्लिक कीजिए और उसके बाद हमारी मेंबरशिप को ग्रहण कीजिए। आपके सामने तीन विकल्प हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज चक्र, मैं अभिसार शर्मा। तो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के चुनावों के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपना टूल किट जारी कर दिया है। जी हां, टूल किट, और औपचारिक तौर पर ना सही मगर अनौपचारिक तौर पर। और इसे जारी किसने किया है, इन दो चेहरों पर गौर कीजिए, देश के गृह मंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, क्योंकि इन्हें लगता है कि जब मुद्दों पर चुनाव नहीं हो सकता तो एक टूल किट की जरूरत है, और उस टूल किट के जरिए भारतीय जनता पार्टी को पूरा भरोसा है कि वो लोग 300 के आंकड़े को पार कर देंगे। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि देश के गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तराखंड की एक रैली में क्या बयान दिया। अब मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं कि एक देश के गृह मंत्री को ऐसा बयान देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? क्या देश का गृह मंत्री उत्तराखंड में अपने काम के आधार पर चुनाव नहीं जीत सकती बीजेपी? मैं जानता हूं कि आपको तीन तीन मुख्यमंत्री उत्तराखंड में बदलने पड़े थे, यही वजह है कि देश के गृह मंत्री को नमाज हिंदू मुसलमान का सहारा लेना पड़ रहा है। क्या कहा देश के गृह मंत्री अमित शाह ने, सुनिए। वादा खिलाफी करने वाली पार्टी कांग्रेस पार्टी, राजनीति रूप से सत्ता व्यापार और सामाजिक न्याय के खिलाफ है। वो कभी भी किसी लोक कल्याण का काम नहीं करती। अरे यहां तक मित्रों, मैं आया था, कुछ लोग मुझे मिलने आ गए, मेरा काफला रुक गया था, तो मैंने पूछा भाई क्या हुआ, तो कि साहब आपको मालूम नहीं है शुक्रवार है। क्यों, शुक्रवार को क्या होता है? मैं तो थोड़ा सोचने लगा कि मुझे मेरा जनरल नॉलेज वीक हो गया, शुक्रवार क्या होता है। तो उसने कहा शुक्रवार को नेशनल हाईवे बंद कर वहां नमाज पढ़ने की इजाजत दे देते हैं शुक्रवार। शुक्रवार को छुट्टी देने की हिम्मत नहीं है। दृष्टिकरण और एपीसमेंट करने वाले आप जानते हैं सबसे अफसोस की बात क्या है? सबसे अफसोस की बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी का जो प्रचार तंत्र है ना, वो अमित शाह की तुलना सरदार वल्लभ भाई पटेल से करता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल वो थे जिन्होंने देश को आजादी दिलवाई। सरदार वल्लभ भाई पटेल वो थे जिन्होंने देश को एकजुट किया। सरदार वल्लभ भाई पटेल वो थे जिन्होंने सांप्रदायिकता के खिलाफ आवाज बुलंद की। और आज अमित शाह इस तरह के बयान दे रहे हैं चुनावों से ठीक पहले। सबसे बड़ी विडंबना दोस्तों, यह वीडियो देखिए। राष्ट्रीय एकता दिवस के मौके पर देश के गृह मंत्री राष्ट्रीय एकता की शपथ ले रहे हैं। आइए उसके कुछ 20 सेकंड सुनते हैं। काश देश के गृह मंत्री अमित शाह अपनी इस शपथ को ही याद रखते। सुनिए। सत्यनिष्ठा से शपथ लेता हूं कि मैं राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए स्वयं को समर्पित करूंगा। मैं फिर कहना चाहता हूं अमित जी, क्या वजह है कि उत्तराखंड में 5 साल, उत्तर प्रदेश में 5 साल की सरकार होने के बावजूद आपको फिर वही नमाज हिंदू मुसलमान का सहारा लेना पड़ रहा है? और बात यहां नहीं रुकती है। आपके स्क्रीन पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, वो क्या कह रहे हैं आपको दिखाता हूं साहब। एनडीटीवी की खबर है, अगर तालिबान ने भारत की तरफ कदम बढ़ाया तो एयर स्ट्राइक तय। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तालिबान का नाम लिया कि तालिबान आएगी तो सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, चीन ने हमारे 21 सैनिक मार दिए, योगी आदित्यनाथ ये क्यों नहीं कहते कि चीन आगे से हिमाकत करेगा तो हम बेजिंग में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे? बताइए, ये बात क्यों नहीं कही आपने? तालिबान अफगानिस्तान में पड़ा हुआ है,
वो कहां जाएगा यहां भारत? मगर उससे भी बड़ी बात, चीन का नाम क्यों नहीं ले रहे हैं? क्योंकि प्रधानमंत्री भी चीन का नाम लेने से डरते हैं। योगी आदित्यनाथ भी चीन का जिक्र नहीं कर रहे हैं, तालिबान का जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है मैं तालिबान का जिक्र करूंगा और हिंदू जो है वो घबरा जाएगा और फिर हिंदू मुस्लिम हो जाएगा। वही तो मैं चाहता हूं, और क्या चाहता हूं? यही तो सारा प्लान है। सही या गलत बताइए मुझे। योगी ने कहा, मोहम्मद गौरी और आक्रांता गाजी के अनुयायी वोट बैंक के भय से हिंदू रक्षक महाराजा सुहेल देव के नाम से डरते हैं। इनको भय है कि सुहेल देव का स्मारक बनने के बाद लोग गाजी को भूल जाएंगे और जनता राजनीतिक ब्लैकमेलरों को कूड़े में फेंक देगी। इसी भय से वे राष्ट्रीय रक्षक सुहेल देव के स्मारक का अप्रत्यक्ष रूप से विरोध कर रहे हैं। योगी जी से मेरा एक सवाल, 5 साल थे आपके पास, सुहेल देव का स्मारक आपने 5 साल पहले क्यों नहीं बनवाया? किसने रोका था आपको? और योगी जी उसी टूलकिट का अनुसरण कर रहे हैं। आपको याद होगा एक रैली में उन्होंने एक बहुत ही शर्मनाक बयान दिया था कि अब तक विकास जो है उन लोगों तक पहुंच रहा था जो लोग अब्बा जान करते थे। सुनिए उन्होंने क्या कहा था। मिलना है राशन, क्या ये राशन 2017 के पहले भी मिलता था? क्योंकि तब तो अब्बा जान कहने वाले राशन हजम कर जाते थे। तब कुशीनगर का राशन नेपाल पहुंच जाता था, बांग्लादेश पहुंच जाता था, और आज कोई इन गरीबों का राशन निकलेगा तो राशन तो नहीं निकल पाएगा लेकिन जेल जरूर चला जाएगा। ये सब क्या बतला रहा है दोस्तों? कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्षस्थ नेतृत्व से उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के चुनावों की राजनीतिक रूपरेखा तैयार है। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आखिर इन कौन से मुद्दों से बचने का प्रयास कर रही है बीजेपी, तो आपको देखना पड़ेगा। आपके स्क्रीन्स पर यह अहम खबर दोस्तों, नो मनी लेफ्ट इन मनरेगा कॉफर्स, 21 स्टेट्स इन द रेड। खबर क्या है? जैसा कि आप जानते हैं कि ग्रामीण भारत में 100 दिन के रोजगार की गारंटी मिलती है वहां के अनस्किल्ड वर्कर्स को। क्या आप जानते हैं हमारे खजानों में मनरेगा के लिए पैसे ही नहीं बचे? और जैसा कि आप इस आर्टिकल के इस मैप में देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश की भी बहुत बुरी हालत है, वहां बस कुछ पैसे बचे हैं, मनरेगा के लिए कोई पैसा नहीं है। अमित शाह और योगी आदित्यनाथ इन मुद्दों से आपका ध्यान भटकाना चाहते हैं। मैं कुछ और कहना चाहता हूं और मेरा सवाल इनके भक्तों से है, क्योंकि हिंदू धर्म की वाहवाही के चक्कर में हम लोग इस्लाम को गाली देते हैं, ईसाई धर्म को गाली देते हैं। मैं आपको एक तस्वीर दिखाता हूं। प्रधानमंत्री रोम में थे, ये देखिए, रोम के पोप को गले लगाते हुए, और यही नहीं, ईसाई धर्म ग्रंथ को अपने माथे से लगाते हुए हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो ये क्या वजह है मैं समझ नहीं पाता हूं। भारतीय जनता पार्टी जब विदेशी जमीन पर होती है तो ईसाई धर्म ग्रंथ के सामने अपना सिर झुकाती है, मगर जब भारत में होते हैं तो वोट्स के लिए आप दूसरे धर्मों का अपमान करते हैं। क्या ये बात आपके हजम होती है? और फिर मैं आपको बताता हूं किन मुद्दों से ध्यान भटकाया जा रहा है। देश के गृहमंत्री अमित शाह क्या कह रहे थे? देश के गृहमंत्री अमित शाह ये कह रहे थे कि अब उत्तर प्रदेश की यह हालत है कि गहनों से लदी लड़की जो है वो रात को 12 बजे निकल सकती है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। पहले अमित शाह ने कहा क्या था वो सुनिए, फिर मैं आगे चलता हूं। बच्चियां घर से बाहर नहीं निकलती थी, मेरठ में यूनिवर्सिटी होने के बावजूद किराए के घर में रहकर दिल्ली में अपनी पढ़ाई करनी पड़ती थी, सलामती नहीं थी। आज कोई भी त्योहार हो, छठ का हो, दीपावली का हो, 16 साल की बच्ची गहने लादकर स्कूटी पर रात को 12 बजे भी यूपी की सड़कों पर निकल सकती है कोई डर का। अमित जी, मैं आपका ध्यान खींचना चाहूंगा इस खबर की ओर। इस लड़की की पहचान मैंने गुप्त रखी है, इसका नाम श्रद्धा है और आप जानते हैं इसका सुसाइड नोट है। इसने आत्महत्या कर ली क्योंकि पुलिस इसको परेशान कर रही थी। इसने क्या लिखा है, पापा मम्मी मेरे सुसाइड की वजह विवेक गुप्ता आशीष तिवारी
एसटीएफ हेड लखनऊ और अनिल रावत पुलिस फैजाबाद, ये तीन हैं। आई एम सॉरी फॉर इट। पुलिस ने इस लड़की को इतना परेशान किया, इसने आत्महत्या कर ली। और ये पहली बार तो है नहीं। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि हाथरस के अंदर रातों रात इन्होंने उस गुड़िया का शव जला दिया था। उत्तर प्रदेश सरकार यह मानने को ही नहीं तैयार थी कि उसका बलात्कार हुआ है। आपको याद है लॉ एंड ऑर्डर एडीजी का बर्ताव, आपको याद है हाथरस के डीएम का बर्ताव, जो उस परिवार को धमका रहे थे कि आज तो मीडिया है, कल क्या करोगे। बात यहां नहीं रुकी है, एक और मिसाल देता हूं मैं आपको, उन्नाव की। कुलदीप सिंह सेंगर याद है, इस शख्स ने बलात्कार किया था एक मासूम का। जब पुलिस स्टेशन गए थे लोग शिकायत करने, उसी पुलिस स्टेशन में इनके पिता को मार दिया गया। बात वहां नहीं रुकी, अगले दो साल तक भारतीय जनता पार्टी ने कुलदीप सिंह सेंगर पर कोई कड़ी कार्रवाई नहीं की। नतीजा यह हुआ, दो साल के अंदर कुलदीप सिंह सेंगर पर यह आरोप लगा कि उन्होंने उसके पूरे परिवार का लगभग सफाया कर दिया रहस्यमय हालात में। आज जब आप कहते हैं अमित जी कि गहनों से लदी लड़की जो है वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जा सकती है, मैं तो आपको मिसाल दे रहा हूं, आपकी पुलिस, आपका प्रशासन पीड़ितों के खिलाफ, उनके परिवार के खिलाफ दिखाई देता है। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, आपके इन बातों के क्या मायने हैं? ये तो सब कहने की बातें हैं, खाना पूर्ति है। मैं आपको बताता हूं इस पर योगी आदित्यनाथ के मुख्य दावेदार अखिलेश यादव ने क्या बयान दिया है आपके स्क्रीन पर। अयोध्या में पंजाब नेशनल बैंक की महिला कर्मचारी की आत्महत्या मामले में मिले सुसाइड नोट में जिस प्रकार पुलिस के लोगों पर सीधा आरोप है, वो उत्तर प्रदेश में बदहाल कानून व्यवस्था का कड़वा सच है। इसमें सीधे एक आईपीएस अफसर तक का नाम आना बेहद गंभीर मुद्दा है। इसकी उच्च स्तरीय न्यायिक जांच हो। और आप ये कहते हैं अमित जी कि मैं दूरबीन लगा के देखता हूं और मुझे दूर दूर तक कोई बाहुबली नहीं दिखाई देता है। आपने कितनी खूबसूरत बात कही थी। चलिए मैं अपने दर्शकों को आपकी वो बात फिर सुनाता हूं। कानून और व्यवस्था की स्थिति कैसी थी, मेरा तो खून खौल जाता था। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से कैराना से पलायन शुरू हुआ था, यहां लखनऊ के हुक्मरानों का नींद नहीं उड़ता था। आज मैं कहने आया हूं, उत्तर प्रदेश के अंदर किसी की हिम्मत नहीं है पलायन करने की, पलायन कराने वालों का पलायन हो चुका है। हर जिले में दो तीन बाहुबली थे, दूरबीन लेकर मैं ढूंढता हूं, कहीं पर बाहुबली दिखाई नहीं पड़ता है भाई। कहे पर उसी मंच पर आपके साथ अजय मिश्रा था, वो अजय मिश्रा जिनके बेटे ने किसानों को रौंद दिया था अपनी गाड़ी के तहत, वो अजय मिश्रा जिसे अभी तक आपने अपने पद से नहीं हटाया, वो अजय मिश्रा जिसका नाम पुलिस की एफआईआर में है कि इन्होंने अपने बेटे के साथ साजिश रचकर किसानों की हत्या की। और आप अपने ही मंच पर इस वीडियो में देखिए अजय मिश्रा को घुमा रहे थे। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, जब आप देश की जनता को ये तमाम बातें कहते हैं कि दूरबीन से बाहुबली नहीं दिखता, लड़की गहने पहनकर चलती है, तब क्या आप उसकी हकीकत को परखते हैं अमित जी? इसलिए मैंने कहा कार्यक्रम की शुरुआत में इनका टूल किट जारी हो गया है। मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, अजय मिश्रा जो मंच पर थे, इस पर अखिलेश यादव ने क्या कहा। झूठी दूरबीन लेकर ढूंढने का ढोंग पूरा था, जबकि बगल में छोरा जगत ढिंढोरा था। जी हां, ये तंज और ये तस्वीर जैसे कि आप देख सकते हैं अजय मिश्रा पर था और देश के गृहमंत्री अमित शाह के ऊपर था। और कोशिश यहां साफ है दोस्तों, मुद्दों से भटकाया जाए और एक टूल किट तैयार किया जाए जिसके जरिए लोगों में भ्रम पैदा करके फिर से हम 300 के आंकड़े को पार कर जाएं। मैंने सही कहा या गलत कहा बताइए। हकीकत क्या है मैं आपको बताता हूं। हकीकत यह है कि इस वक्त भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के हालात ठीक नहीं है। आपके स्क्रीन पर यह केशव प्रसाद मौर्य, उत्तर प्रदेश के डेप्यूटी सीएम। इनसे एक बहुत आसान सा सवाल पूछा गया कि क्या योगी आदित्यनाथ के चेहरे को आगे बढ़ाकर आप चुनाव लड़ेंगे। इन्होंने क्या जवाब दिया, आप इसका इसे सुनिए। आप
महोदय भारतीय जनता पार्टी अब किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी? चुनाव लड़ेगी ये बताइए। भारतीय जनता पार्टी कमल के फूल के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी। नहीं सर, योगी आदित्यनाथ को, मुख्यमंत्री आदित्यनाथ को चुनौती कहीं और से नहीं, अपने डेप्यूटी सीएम से मिल रही है। उनके अपने डेप्यूटी सीएम उनसे नाराज चल रहे हैं। आपको याद करना होगा, आज से 2-3 साल पहले की बात है, करीब 150 बीजेपी के विधायक, उन्होंने धरना दिया था उत्तर प्रदेश विधानसभा में। उनके अपने विधायक उनसे नाराज हैं, मगर पार्टी जानती है कि हमें आदित्यनाथ की नेतृत्व तले ही चुनाव लड़ना पड़ेगा, क्योंकि अगर हमने उन्हें भी हटा दिया तो जो कट्टर हिंदू वोट बैंक है शायद हमें वो भी नहीं मिलेगा। और यही वजह है कि योगी आदित्यनाथ बार बार इस तरह के बयान दे रहे हैं। मैंने आपको पूरी मिसाल दी, और यकीन मानिए दोस्तों, अभी तो 3-4 महीने बाकी हैं। आने वाले दिनों में आप देखिएगा कि चाहे योगी आदित्यनाथ हो, चाहे माननीय गृह मंत्री हो, वो शालीनता की, राजनीतिक शालीनता की तमाम हदों को पार करने का प्रयास करेंगे। मेरे शब्दों को याद रखिएगा, आगे सब होने वाला है। और न्यूज चक्र पर हमारी निगाह रहेगी दोस्तों, इन तमाम मुद्दों पर। मेरा वादा है कि तमाम मुद्दे बारीकी से विश्लेषण के साथ मैं आपके सामने लाते रहूंगा। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।